अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी गप्पी जो है वो बेबी बर्थ करने वाली थी, तो मैंने इसको एक्वेरियम से निकाल के एक कटोरे में रख दिया। मैंने कटोरा जो है वो एक्वेरियम के ऊपर ही, मतलब इसको रख दिया है पानी के ऊपर ही, कि वो पानी के ऊपर ही तैर रहा है अभी। और इसमें थोड़े से मैंने स्टोन लगा दिए, और इसमें गप्पी और गप्पी का एक मेल डाल दिया कि ये जैसे ही मतलब बेबी जो बर्थ करेगी तो उसमें आ जाएंगे बच्चे, वरना बाकी जो मोलीस हैं मेरे पास या बाकी की फिशेज जो हैं वो बच्चे खा भी सकती हैं। अभी जैसे आपके सामने ब्लैक मोली है, ये बाकी प्लेटिस हैं और घूम रही हैं, बाकी ये इसमें जो कटोरे में है ये मेरी मोली फीमेल है और बाकी इसका एक मेल है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बेबी इसमें दे दिए थे दूसरे दिन और इसमें घूम रहे होंगे। आपको ये देखें, ये छोटा सा एक बेबी है इसका। इसमें मैंने खाना डाला हुआ जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये कलरफुल सा ये खाना इनका फ्लैक्स होते हैं जो, और ये एक बच्चा एक उधर जा रहा है ब्लैक कलर का और एक इधर ये ऑरेंज है, हल्का लाइट ऑरेंज। बाकी स्टोन के ऊपर बैठे हैं, नज़र नहीं आ रहे सही से, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो आपको इसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा बना के। बाकी ये देखें जो बैठा हुआ है, इस तरह से बेबीज हैं सारे। और हुआ कुछ यूँ सा, फिर थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ दिया 10 मिनट, तो ये गप्पी की फीमेल जो थी उसने छलांग मार के वो अपने एक्वेरियम में चला गई थी। वापसी से बच्चे इसमें रह गए थे, फिर मैंने बच्चों को भी एक्वेरियम में डाल दिया था। ये मैंने बोला अब इनको क्या करूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसने एक्वेरियम के अंदर दिए और काफ़ी बच्चे उसने गप्पी के उसने बाउल में दे दिए थे। तो मैंने बोला बाकी के बच्चे भी साथ रह लेंगे उनके, तो वो अभी एक्वेरियम के अंदर ही है। बाकी इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। और बेबीज अगर की वीडियो वीडियो अच्छी बनाई थी लगी हो तो तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर वो भी कीजिएगा, देख देख सकते हैं मेरे जाके, प्लेलिस्ट की और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।